हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेहंदी मैथ्स में। टीसीएस की सीरीज जो अपने स्टार्ट कर रखी थी 2020-19-18 में, मैंने इसके नंबर सिस्टम के आपको दो लेक्चर करवा दिए थे। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पहले लेक्चर 2 के अंदर 85 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम 86 से आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या है हमारा, जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको साथ के साथ करने हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और ऐप, तीनों का नाम सेम है। आप वहाँ से यूट्यूब चैनल, आप टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, आपके ऐप पर भी अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो आज अपने क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 86 से है। पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये करें, यदि एक्स 3 की पावर 6 1 2 8 4 61,284 को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल एक्स, यदि एक्स शेषफल आता है, मतलब शेषफल है एक्स, और 4 की पावर 96 को वाई से डिवाइड करें तो जो शेषफल आएगा उसे वाई बोल रहे हैं, और इसका आंसर बताना है आपको क्या है। ये क्वेश्चन आया 13 सितंबर 2019 में। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 6 1 2 8 4 वो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। यहाँ जो रिमाइंडर आएगा उसका नाम दे दिया एक्स। सेकंड कंडीशन है, 4 की पावर कितनी है 96, इसको 6 से डिवाइड किया, यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है उसका नाम दे दिया वाई। क्वेश्चन में पूछा है 2x-y का मान ज्ञात करें, 2x-y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझो, देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ क्वेश्चन प्राइम नंबर है, यहाँ अगर प्राइम नंबर है तो हम इसे टोशेंट मेथड से करते हैं। टोशेंट प्राइम नंबर का हमेशा एक कम होता है, इसका टोशेंट कितना हुआ, 4। अब जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये इसकी जो रिमाइंडर आया इसका वो कितना आया, 0। किसी भी संख्या की पावर 0 होता है वो उसका आंसर होता है 1। वाई की पावर 96, 4 की पावर n, 4 की पावर कुछ भी हो, चाहे 10 की पावर कुछ भी हो, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। आप n की जगह 1 रखो, 4 की पावर 1 तो भी 4, 4 की पावर 2 रखो, 16 में 6 का भाग दिया, 6 × 12 तो भी रिजल्ट कितना आया, 4। 64 3 रखने पर तो भी रिजल्ट कितना आएगा आपका, 60 पे पूरा भाग चला गया, 4। ऐसे 10 के केस में होता है, तो यहाँ जो रिजल्ट है वो हमेशा फिक्स है, वो कितना आएगा, 3। वैल्यू रख दो आप, 2x, ये हो गया 2, और 2x-y, यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4। ये कितना हुआ, -4। फाइनल आंसर आपका कितना हुआ, -2। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप, ये कह रहा है यदि 10 अंकों की संख्या, ये नंबर आपको देखा है 72 से डिवाइड है तो आपको 5x-4y का मान ज्ञात करना है। वैसे मैंने लेक्चर 1 में आपको 72, 88, 99 करवा दिया, लेकिन फिर ये क्वेश्चन करवा देता हूँ एक बार और, आपका रिविजन हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो आप 5, 4, ये पूरा नंबर लिखो आप, 3 2 y 1 7 4 9 और x, 72 से डिवाइड है तो 8 × 9 फैक्टर हुआ इसका। सबसे पहले अपने को 8 चेक करना है, तो ये हाँ, अगर 9 है तो ये 96 होगा, अगर ये सम है तो लास्ट के दो डिजिट देखने अपने को, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हुई, 6। और यहाँ देखें तो अगर आप x वहाँ रखेंगे तो 30- कुछ रखने पर हमारे पास आंसर आएगा। अब आप देखो, हमें 9 चेक करना है, तो 9 ये कह रहा है कि डिजिटल सम, संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये देखो ये आपका कैंसिल हो रहा है, 3 2 5 और 4 9 कैंसिल हो रहा है, ये 9 कैंसिल हो रहा है, ये कितना हुआ, 6 और 7 13 और 1 14, 14 में कितना जुड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए, 4। इसका मतलब 4 × 4 कितना हो गया, यहाँ हो गया 16। 30 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 14। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर करवा दिए, 88, 99 सारे के सारे, बार बार रिविजन करेंगे तो यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आपका एक सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ना और लास्ट के 3 साल के पेपर सॉल्व करने, किसी बच्चे ने अगर इसको 2-2, 3-3 बार कर लिया, 100% है उस बच्चे का सिलेक्शन होना ही होना है, कोई भी चांस ऐसा नहीं हो सकता कि उसका सिलेक्शन ना हो, मैथ्स की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस केस के अंदर आपको शेषफल बताना, ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर ये पावर ऑड है, दोनों की दोनों पावर क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इनके बेस जुड़ जाते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ो आप तो ये फैक्टर हुआ, 7 और 7 कितना हुआ, 14, 12 9 21, और ये कितना हो गया, 22। अगर आप इसको 32 से डिवाइड करते हैं तो 32 × 7 होता है, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप,
ये कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 9 शेषफल 41 आता है, बड़ी संख्या के अंकों का योग। अगर वो नंबर पूछा जाता तो अपने कुछ कर सकते थे, लेकिन इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। दो संख्याओं में 2001 का अंतर है, संख्या मान ली ए और बी, इनमें अंतर कितने का है 2001 का, पहली कंडीशन लिख दी। दूसरा कह रहा है बड़ी संख्या, देखो ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर लो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब भाग दिया जाए, बड़ी संख्या को जब आप छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल जो क्वेश्चन है वो कितना आ रहा है आपका 9, और उसका रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है 41। तो आप नंबर को कैसे लिखते हैं, भाज्य बराबर भाज्यक, जिससे भाग दे रहे डिवाइजर, भाज्य मतलब डिविडेंड, तो 9 इंटू बी 41 प्लस शेषफल, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। अब इन दोनों की हेल्प से अपने को ए का मान निकालना है, बड़ी संख्या का और ए का मान निकाल के उसके अंकों का करना है टोटल। कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपने 10th क्लास में किया हुआ है, ए की वैल्यू यहाँ रख दो आप, ए की वैल्यू जैसे आप रखोगे तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, 9 बी में से बी गया तो 8 बी माइनस के 41, ये प्लस का 41 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये जो नंबर है आपका प्लस 41, आप इसमें माइनस करोगे तो यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 0, 11 में 10 में से 4 गया 6, ये होगा 1960। यहाँ से बी का मान आया 8 दूनी 16, 8 इंटू 4 32 और 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। अब इस बी का मान यहाँ रखो आप, इस बी का मान जब आप यहाँ रखोगे, यहाँ से ए का मान कितना आ गया, इसमें जोड़ दो आप, ये हो गया आपका 2246, क्योंकि ये जुड़ जाएगा इधर आके 2246। अब ये कह रहा है इस ए के अंकों का टोटल 6, 4, 10, 2, 12, 2, 14, आपका जो फाइनल आंसर कितना आ गया वो आ गया 14, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, संख्या के अंकों का योगफल आपसे पूछा है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 के अंदर। मैं आपको देखो बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, जिस बच्चे को एसएससी के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं उसका रेलवे, उसका बैंक बिल्कुल क्लियर है, रेलवे में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेलवे का लेवल जो है वो एसएससी का बहुत कम लेवल पर है, एसएससी से अगर कंपैरिजन करें तो रेलवे का पेपर बहुत ईजी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट दूंगा। ये कह रहा है कि 200 को किसी संख्या से x से भाग देते हैं तो शेषफल 8 आता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं, संभव कितने। देखो आप 200 को, इसको ध्यान से समझना, आप x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 8। अब आप सोचो अगर 8 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब x का जो मान होगा वो 8 कम कर देंगे, वो 192 होगा। अब सबसे पहले 192 का फैक्टर निकालो आप, सबसे पहले अपने टोटल फैक्टर निकालें, कैसे निकालेंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है, संख्या के अंकों का योग, देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 इंटू ये होगा 64, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 64 को 2, 4, 8, 16, 32, 64, 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, इसका मतलब टोटल जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, पावर में प्लस 1 करो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 14। लेकिन अब हमारा आंसर 14 नहीं है, अब देखो अगर आप एक्स से डिवाइड करें तो ये 192 के जो फैक्टर आप लेंगे, भाई अगर आपका रिमाइंडर 8 आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टर जो होंगे वो 8 से बड़े होंगे, इसका मतलब ये है यहाँ जो आपका आंसर आया 14 वो सारे हैं, उसके अंदर 8 से कम वाले, 8 या 8 से कम वाले नंबर कौन कौन से हैं जो इसके फैक्टर है, वो 1 भी है, 2 का भाग भी जा रहा है, इसमें 3 का भी जा रहा है, देखो आप 92 में 4 का भाग, देखो 4 का भाग भी जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 3 2 का जा रहा है तो 6 का भी जा रहा है, 8 का चेक करें 8 दूनी 16 और 8 इंटू 4 32, 8 का भाग भी जा रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी संख्या जो इसमें इसके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, 6 अपने कम कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 8। जब आप इस तरह के नए क्वेश्चन नहीं करेंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा बताओ आप। 200 को किसी एक्स से डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर, इसका मतलब वो नंबर 8 कम होगा 192। आगे जो प्रोसेस अप्लाई किया है वो नंबर सिस्टम का किया, वहाँ से टोटल फैक्टर निकाल लिए, लेकिन हमें पता कि अगर रिमाइंडर 8 आ रहा है तो नंबर तो 8 से बड़ा ही होगा, तो जो 192 के फैक्टर जो 8 या 8 से कम है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसके अंदर 14 में से 6 गए 8, इस क्वेश्चन का आंसर है एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 का ये क्वेश्चन है। सेम ये क्वेश्चन है, देखो आप 732 को x से डिवाइड किया, शेषफल 12 है, x के कितने मान संभव है,
ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे के कमेंट के अंदर आंसर आना चाहिए। देखो कैसे करोगे, 12 आ रहा है, 12 कम कर दो, 720 का टोटल फैक्टर निकाल लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 720 के वो फैक्टर निकालो जो 12 या 12 से कम है, उसमें से उसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपको देना है 94 नंबर क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या है। ये कह रहा है एक्स 6 अंकों की संख्या है, और इधर भी आपको 6 अंकों की संख्या देखी, 11 और 72 से विभाजित है, तो 5x-2y का मान ज्ञात करें। देखो ये मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। पहली कंडीशन दे रखी है एक्स 3, 5, 6, 2 और 4, ये संख्या जो है वो किससे डिवाइड है, 11 से। एकांतर क्रम में संख्याओं का टोटल करो आप, ये कितना हो गया 7+x, ये कितना हो गया आपका 9 और 4 कितना हो गया 13, इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। इसका मतलब x का मान यहाँ से कितना आ गया 6, x का मान यहाँ आया तो 30 माइनस, अब अपने को y निकालना है। y की कंडीशन क्या दे रखी है, 1, 2, 5, 7, y और 4, 72 से डिवाइड है, 72 में 8 और 9। मैंने आपको अलग अलग कंडीशनें समझाई थी कि अगर क्वेश्चन में x और y दोनों दे रखा हो तो आप 8 चेक करो, लेकिन सबसे पहले आप 9 चेक करो इसमें, क्योंकि अगर सिंगल है तो आपको 9 चेक करना है। 9 करें कि संख्या सिंगल संख्या 9 या उनके अंकों का टोटल 18, 27, 36 ऐसे होना चाहिए। अब देखो आप जैसे 5, 2, 7 टोटल करके देख लो आप, 5 और 4, 9, 7 और 2, 9, यहाँ इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो 8 आएगा। और वैसे भी अगर देखो, अगर अपने 8 के हिसाब से देखें तो ये तीसरी संख्या विषम है, अगर ये ऑड नंबर है तो इसमें 4 जुड़ेगा, 84 में 4, 88 जो है वो आपका 8 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वाई का मान यहाँ 4, 8 जो है वो कन्फर्म हो गया। वाई का मान अगर 8 है तो 8 × 2 = 16, तो इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 14। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझते हुए क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। बार बार कोई भी बच्चा अगर इन इन सारे पेपर्स की 2 या 3 बार अगर आप, कम से कम 3 बार मान लो आप, 3 बार अगर आप रिविज़न करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बार आपको थोड़े बहुत डाउट आएंगे, दूसरी बार आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, तीसरी बार बिल्कुल क्लियर होंगे। ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन स्क्रीन पे चलते हुए आपको ऑटोमेटिक उसकी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, 2 स्टेप में आंसर बस। और आपको पता आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब कितना ज़रूरी है, गवर्नमेंट जॉब कितना कंपटीशन है, हर बच्चे को अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो सिंसियर स्टूडेंट है कि गवर्नमेंट जॉब से कितना बेनिफिट है, आगे फ्यूचर आपका बिल्कुल सेफ है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो बच्चा कंपटीशन से, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि कंपटीशन है तो वो सबके लिए है, जो बच्चा ढंग से तैयारी करेगा सारे के सारे, अगर वो पूरे के पूरे क्वेश्चन करता है तो ऐसे करने वाले बच्चे बहुत मुश्किल से बहुत कम होते हैं जो आप काउंटिंग कर सकते हैं। और अगर आप उनमें, अगर आपकी काउंटिंग हो जाती है, अगर आप उनमें आ जाते हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन श्योर है, नहीं तो अदरवाइज तो फिर घूमते रहो आप, इधर उधर घूमते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो आप, देखो ये कह रहा है कि ये नंबर दे रखा है x+y+z, बार बार करेंगे आपको पिक्चर क्लियर रहेगी। देखो आप x+y+z याद करो, x+y वाला मैं एक कंसेप्ट समझाया था, यहाँ 9 × 11 है। मैंने आपको एक बात बोली थी लेक्चर 1 के अंदर, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 संख्याओं का टोटल या 3 संख्याओं का टोटल हो, आपको हमेशा सबसे पहले 11 को चेक करना है। सबसे पहले किसको चेक करना है, 11 को। ये अच्छा क्वेश्चन है। 11 ये कह रहा है कि अल्टरनेट वैल्यू लो, देखो 8, 7, 15, 15 से 21, 21 से 8 कितना होगा 29, 29 और 9 कितना होगा 38। और इस जगह पर आपका जो आ रहा है आंसर, देखो आप एक जगह पे आ रहा है x+y+z और एक जगह पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 38। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, सिस्टम ये कहता है। अगर अपने 9 चेक करें, अगर आप 9 से माइनस करोगे x+y+z, इसके रिजल्ट ही तो ऑप्शन में दिए हुए, तो ये नंबर हुआ आपका 29, 29 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं है। अगर आप 16 माइनस करेंगे, 38 में से 16 माइनस किए तो आपका आंसर हुआ 22, ये हो सकता है। 5 माइनस किए 33 हो सकता है, 27 माइनस किए 3 और 8 11 हो सकता है। अब अपने को पता कि 3 आंसर आए, अब हम चेक करेंगे 9 ये कह रहा है कि उनके संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड भी होना चाहिए। अगर यहाँ 38 है, इन सबका टोटल 38 है, तो आपने 9 से डिवाइड किया इसको, तो 9 × 4 = 36, यहाँ एक्स्ट्रा जो है वो बचा 2। अगर एक्स्ट्रा 2 बचा तो क्या जोड़ेगी वो 9 से डिवाइड हो जाए, 16 जोड़ने पर हो रहा है 2 और 5 = 7, 27 और 2 = 29, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो फाइनल कितना हो जाएगा, 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको 11 चेक करना है, हो सकता है आपका इसी में आंसर आ जाए, अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको 9 चेक करना है, जो 38 था 9 × 4 = 36,
एक्स्ट्रा कितने बचे, दो, दो का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 16 के साथ, 16 और 2 18, 2 और 5 7, 27 और 2 29, ये ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, फाइनल आंसर आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। जब एक धनात्मक पूर्णांक को डी से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल जो है वो आ रहा है इसके अंदर 15, हमने कोई संख्या मान ली एन, उसको आपने डी से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया 15। लेक्चर 1 में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, जब इस संख्या के 10 गुने को, जब आप 10 गुने को डिवाइड करते हैं, 10 गुने को किससे डिवाइड करना है, उसी डी से डिवाइड करना, तो अब जो शेषफल है वो आ रहा है 6। अब आप देखो, आप पॉइंट्स को समझो, डी का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है, देखो आपको ये पॉइंट समझाया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में इनटू हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 गुना करके 3 जोड़ दें, 5 गुना करके 2 कम कर दें, ये सारे का सारा आप रिमाइंडर पर आप अप्लाई करते हैं। अगर 10 गुना करेंगे तो इसका मतलब यहाँ भी 10 गुना होगा, इसका मतलब आपको जो नंबर चेक करना है वो 150 चेक करना है। अब आप सोचो, अगर 150 में किस संख्या का भाग दें कि शेषफल 6 आएगा, अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दिया था, इसका मतलब यहाँ 6 कम तो वो नंबर 144 होना चाहिए, 144 का भाग देंगे तभी 6 आएगा। अब 144 के जो फैक्टर होंगे, न्यूनतम संभव मान कौन सा संभव है, इसके जो फैक्टर होंगे वो 15 से बड़े होने चाहिए, वो जो फैक्टर होगा वो 15 से बड़ा होगा। अब 15 से बड़ा फैक्टर कौन सा है, गुणनखंड कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, लेकिन न्यूनतम जस्ट इसके बाद वाला कौन सा है, 16। इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ, 16 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। जो भी इनटू डिवाइड, इनटू स्क्वायर, क्यूब, जितना भी होगा वो सारे का सारा किस पर अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर वाले नंबर पर अप्लाई करेंगे। हमारा 144 आया, 144 के फैक्टर तो आपके 1 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, 9 भी हैं, लेकिन आपको वो देखना ऊपर वाली संख्या के अकॉर्डिंग, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया, वो नंबर आपका 15 से ऊपर होना चाहिए। याद करो कि उसमें 15 और 15 से कम वाले अपने हटाते थे, अब आपसे वो नंबर पूछ लिया लास्ट वाला कौन सा होगा, जस्ट उसके बाद वाला, इससे जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 16 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। देखो ये क्वेश्चन कितना ईजी है, ये कह रहा है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक को 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 2 आता है, इसको आपने 7 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया, 2। अब ये कह रहा है कि न्यूनतम निम्न में से किस संख्या को 7 से डिवाइड करें कि शेषफल 0 आए, हमें पता है इस कंडीशन के अंदर हम वैल्यू क्या रखते हैं, एन की वैल्यू को लेते हैं 2, ये वाला नंबर लेते हैं, अगर ऊपर नंबर छोटा है तो वही रिमाइंडर माना जाता है। अब 7 से डिवाइड होने के लिए ऊपर 7 होना चाहिए, अब 2 में से ये तो माइनस हो गया, ये सही है, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 2 कितना हो गया 4, अगर 2 और 5 7 होगा, 7 से 7 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा आपका, 0। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ आप, ये कह रहा है 77 से डिवाइड किया जाए, 77 की पावर कितनी है, 77 प्लस 77, इसको डिवाइड किया अपनों 78 से, तो रिमाइंडर आपसे पूछे। देखो आप स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करके समझो, आप सबसे पहले आप इसको डिवाइड करो, ये कितना हो गया, इसको अपने लिखा 78 माइनस 1, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट कितना हुआ माइनस 1, ऊपर नंबर छोटा है सेकंड केस में, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, दोनों को जोड़ा तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपका 76 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जवाब, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, CHSL 2019 का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है इस पैटर्न पर आपको ये वैल्यू दे रखी है, A का मान 7 है तो रिजल्ट बताना क्या है। मैंने 2019 के CHSL के मैंने पेपर सॉल्व करवाए थे, अगर आपको ध्यान हो टॉपिक वाइज, उसके अंदर ये क्वेश्चन भी था। इस क्वेश्चन में क्या एक सिक्वेंस को फॉलो करता है, सबसे पहले यहाँ 2 आएगा, इस पर 2 कर लेना आप, और यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ आपने वैसे सॉल्व करने लगे मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको एक पैटर्न देखना है इसके अंदर क्या है। सबसे पहले आप वैल्यू पुट करो ए की, 0, ये कह रहा है ए की वैल्यू 7 पुट करनी, हम कुछ वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, अगर आंसर आपका चेंज नहीं हो रहा तो वही आंसर होगा। देखो अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 0 0, यहाँ कितना आ गया 1, और ये कितना हो गया 0 0, और ये कितना हुआ 1, माइनस ये 0, तो आपका आंसर यहाँ आ रहा है 1। अब ए बराबर अगर अपने 1 रखें, इसमें 1 रखे सारे पॉजिटिव है, देखो 1 और 2 3 3 3 6 2 8, और ये कितना हो गया 9। अगर आप 1 रखते हो तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। यहाँ अगर आपने 1 रखा तो -1 और -1 प्लस 1, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 1। तो इसका मतलब अगर आप कुछ भी मान रखो, अगर आप यहाँ 1 का मान 7 भी रखोगे
और इसे पूरा सॉल्व करोगे तो भी इसका रिजल्ट जो है वो कितना आएगा, एक। इस क्वेश्चन के अंदर एक एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि एक का मान जीरो रखो, एक रखो, दो रखो, कुछ भी रखो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, एक। अब देखो इस तरह के जैसे क्वेश्चन, अब मान लो आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ रखा तो 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन होगा नहीं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 5-10% बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनको पूरे ध्यान से अपने को सॉल्व करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो चांस पूरे रहते हैं कि लगभग आपके प्री में तो आपका 100% स्कोर पूरा आएगा, मेंस में आपका हो सकता है कि 5-10 नंबर कम हो जाए, लेकिन मेंस में क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पर आपका इक्वल लेवल टेस्ट किया जाता है, लेकिन इतने भी अगर आप कैरी कर लेते हैं तो आराम से 190 प्लस और प्री के अंदर 50 out of 50 आपके मार्क्स आराम से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए अब क्या है, ये कह रहा है 3x² - 5x - 8 के गुणनखंड का पता लगाएं। देखो सबसे पहले इसकी कंडीशन बताता हूँ, पहले तो इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये है 3x² - 5x - 8। याद करो हमने 10th क्लास में क्वेश्चन किए, दो संख्याओं का टोटल -5 और मल्टीप्लाई करने पर -24 आना चाहिए, तो वो संख्या हुई -8x और +3x। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो -5x और मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x², क्योंकि अगर यहाँ साइन माइनस का है तो एक संख्या प्लस और माइनस की लेते हैं और बड़ी संख्या माइनस की लेंगे। पहले मैं आपको मेथड से बताता हूँ, फिर इसका दूसरा कंसेप्ट बता दूंगा। -5x को आपने ब्रेक किया -8x और +3x में, -8, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आया x, तो ये होगा 3x - 8। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम एक ले लेंगे, तो ये कितना होगा 3x - 8। ये ब्रैकेट अगर आपका सेम आ रहा है तो आपने क्वेश्चन 100% सही किया है, अगर आपका ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन 100% ही गलत है, रिमेनिंग नंबर बाद में लिख देंगे। अब ऑप्शन देखो 3x - 8x + 1 किस में आ रहा है, 3x - x + 1 इसमें आ रहा है, इसमें दोनों प्लस के आ रहे हैं और 3x - ये भी आ रहा है। ये तो हो गया मेथड से हो गई। अगर आपको वैसे करना है तो आपको एक दूसरा कंसेप्ट भी समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का क्या है। सबसे पहले आप इसका कॉन्स्टेंट का साइन देखो, यहाँ आ रहा है -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखो, यहाँ आ रहा है +8, तो ये नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -8 तो ये हो सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया +8 कांस्टेंट नंबर सिर्फ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना है -8। ये उस कंडीशन में अगर आपको इसके फैक्टर करने नहीं आते। अब दूसरी कंडीशन, अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो, एक्स बराबर कोई भी 0, 1 कुछ भी रखो, मान लो कि अपने आंसर इन दोनों में है, हमने यहाँ एक्स का मान रखा 0, अगर आप एक्स का मान 0 पुट करते तो ये 0 - 8, ये 0 0 हो गया, तो आंसर आपका -8 आना चाहिए। एक्स बराबर अगर अपने इसमें 0 रखें तो ये कितना हो गया 1, और ये हो गया -8, तो ये हो गया -8। अगर x बराबर इसमें 0 रखते हैं तो ये भी रिजल्ट आपका -8 शो कर रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे x बराबर 1, अगर आप 1 रखते हैं तो 1 - 3, 3 - 5 और -8, -13 और 3 - 10, 1 1 रखने पर कितना आया -10। अब यहाँ 1 रखो आप, 1 रखने पर ये कितना हुआ 1 और 1 2, ये होगा -5, तो ये कितना आया -10। अब 1 रखने पर यहाँ देखिए, अगर 1 और 1 यहाँ कितना हो गया 0, देखो आप, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी। तो बेस्ट है आप 1 रखो, 0 पे वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, या तो आप 1 रख के चेक कर लो। सबसे पहले आप इसका साइन चेक करो, देखो आप सबसे पहले साइन चेक करो, फिर वैल्यू 1 रख के आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन चेक करना है, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो, आप x की वैल्यू 1 1 पे अगर सेम आ रहा है तो आप 2 रख दो 3 रख दो ऐसे, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको 1 2 में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, ये कह रहा है 19596 में कौन सी दो निकटतम संख्या जो 9 से विभाजित है। पहले आप 19596 को चेक करते हैं, देखो आप अगर अपने 19596 को चेक करें तो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 6 5 11 और 1 12, 12 में 9 का भाग दिया तो यहाँ रिजल्ट आ रहा है 3। इसका मतलब अगर यहाँ 3 एक्स्ट्रा 3 अगर कम होता, देखो 9 से डिवाइड होने के लिए या तो 3 कम होता या इसमें 6 जोड़ता, भाई 3 आपको देखो डिस्टर्ब कर रहा है। 3 को 9 से डिवाइड करने की दो कंडीशन, या तो 3 हटाओ या उसमें 6 जोड़ दो। इसका मतलब 19596 में अगर अपने 3 कम करें तो एक तो 593 होना चाहिए, अगर इसमें 6 जोड़ दें तो 602 होना चाहिए। तो इसका मतलब उसके आसपास के जो रिजल्ट कौन से हुए, ऑप्शन नंबर आपका डी। पहले चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर बता देंगे।
अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्ण से विभाजित है, आप 9 × 9 के हिसाब से चेक करना है, ये कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन, ये आपके लिए सेम क्वेश्चन, मैंने आपको पहले -12 वाला बताया कि चेक करना, पहले साइन चेक करना, पहले आपको -12 चेक करना है ऑप्शन में, फिर आप एक्स की जगह 1 पुट कर देना। और इस क्वेश्चन का ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। एक तो मैंने आपको 117 नंबर असाइनमेंट दिया है और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 94 और 117। इसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ आप, ये कह रहे हैं कम से कम पांच अंकों की संख्या आपको ऐसी बतानी है जो 91 से पूर्णतया विभाजित है। पांच अंकों की ऐसी संख्या बताएं जो 91 से पूर्णतया विभाजित है। देखो सबसे पहले 91 के आपने फैक्टर किए 13 × 7, क्लियर। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो पहले पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या चेक करो, ये 10,200 है, ये 100 है, 192 है, ये 10,010 है, ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे पहले इसे चेक करना है। और जब भी आपको अगर आइडिया हो कि अगर संख्या ऐसे लिखते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि पहले राइट साइड से तीन तीन संख्याओं के पेयर बना हुआ और उनका लो डिफरेंस, अगर उनका डिफरेंस 0 है या अगर उनका डिफरेंस 7 से डिवाइड है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा, अगर उनका डिफरेंस 13, 26, 39 ऐसा है तो वो 13 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से चेक करें तो देखो 10 और 10, अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 0 लिख दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 0। इसका मतलब अगर 0 है तो हर किसी का भाग जा रहा है, इसमें 7 का भाग भी जा रहा है, इसमें 13 का भाग भी जा रहा है, तो ये हमारा आंसर है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, 10,010 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो 14 × 7 = 98, 2 और 1 = 7, 3 = 21, 0। अब 13 से चेक करें, 13 × 7 = 91 और 9 × 1, 13 × 7 = 91 और 0। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका सी 10,010 इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अपनों ने यहाँ तक टोटल मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं, देखो इसके अंदर मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। देखो वीक के अंदर हमारी 3 दिन क्लासें रहती हैं, 3 दिन अगर आप पढ़ते गए तो एक टाइम बाद आने वाले 3-4 महीने बाद आपके ये सारे टॉपिक भी पूरे हो जाएंगे। हमारी जो क्लास है वो ट्यूसडे को रहती है, एक थर्सडे को रहती है और एक सैटरडे को रहती है। इसका जो टाइमिंग है वो है आपका 8 बजे। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के 3 लेक्चर मैंने आपको करवा दिए हैं, 4 लेक्चर के अंदर ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर क्लास आपको पढ़ाई जाएगी सिंप्लीफिकेशन, फिर आपको पढ़ाया जाएगा एलसीएम एचसीएफ। इससे क्या है, इससे आपको एक पैटर्न के बारे में पता लगेगा कि एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन क्या आते हैं और क्या हमें करने चाहिए, किस डायरेक्शन के अंदर आपको स्टडी करनी चाहिए। इसके बाद आप परसेंटेज वगैरह कोई भी अपने चैप्टर उठा लेंगे, सिक्वेंस वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चन जो है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन 2 जगह पर है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है मैनदीप मैथ्स, MAINDEEP MATHS। ये अपलोड कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, उस ऐप पर भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो आप बहुत काफ़ी बेनिफिट देगा, मैनदीप मैथ्स, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे अभी तो रिलैक्स मोड में रहते हैं, जब एग्ज़ाम आते हैं तो एकदम भागते हैं, फिर तैयारी, सर तैयारी नहीं है, सर तैयारी नहीं, जबकि इतना गोल्डन टाइम आपको मिला है पढ़ने का। अगर बच्चा आराम से बिल्कुल रिलैक्स मोड में अगर तैयारी करे 2-3-4 महीने अगर धीरे हर रोज़ वो टाइम निकाल के, इसके अलावा और कोई काम तो है नहीं, तो जब एग्ज़ाम होंगे तो एक साथ एग्ज़ाम होंगे तो उसका बेनिफिट आपको बहुत होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। तो ये क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। अब हमने टोटल जो है लेक्चर 3 तक मैंने आपको क्वेश्चन 119 करा दिए हैं, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 167 है, जो आपका 120 तक जो क्वेश्चन अब अपलोड हो जाएंगे, लास्ट के जो क्वेश्चन वो लेक्चर 4 के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। तो नंबर सिस्टम के टोटल जो लेक्चर आएंगे वो कितने होंगे, 4। तो आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 117 और क्वेश्चन नंबर है आपका 94। इन दोनों के आंसर प्रत्येक बच्चे को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कमेंट बॉक्स में देने हैं,
साथ के साथ आप तैयारी करते रहे हर रोज़। वीक में मैंने आपसे 3 दिन ही मांगे हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको टाइम मांग नहीं रहा। 3 दिन में भी मैं आपको रिकॉर्डर पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ाने में बच्चों के कमेंट लो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम आधे घंटे की क्लास के अंदर भी 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसके वेट वर्थ भी है, जिसके इससे आपका टाइम भी बचता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने लेक्चर 4 के अंदर। थैंक यू।